हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेटेस्ट अनाउंसमेंट बाय USFDA और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है रेयर डिजीज़ के ऊपर इंडिया में एंड वर्ल्ड में, और बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है इंडिया में, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले USFDA का जो वेबसाइट है वो है FDA.gov। अगर यहाँ पे जाएंगे तो 29 सितंबर 2023 एक अनाउंसमेंट किया है USFDA, वो है FDA लॉन्चेस पायलट प्रोग्राम टू हेल्प फर्दर एक्सीलरेट डेवलपमेंट ऑफ रेयर डिजीज थेरेपी। मतलब USFDA इनकरेज कर रहा है रेयर डिजीज के ऊपर, ताकि कोई नया मेडिसिन में भी ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आए। तो इसके लिए पहले जान लेते हैं रेयर डिजीज़ क्या है। देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहा है 1,000 पीपल में से लेस देन 1 पीपल को ये डिजीज़ होगा, ये बहुत ही रेयर है, इसलिए इसको रेयर डिजीज़ कहता है। और इंडिया में कहता है 2,500 में से 1 पीपल को ये डिजीज़ होगा। अभी देखिए वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन पीपल को ये रेयर डिजीज़ हो रहा है, और उनमें से 25% पीपल इंडिया में से है। इसका मतलब ये हुआ 7 to 8 करोड़ पीपल इंडिया में से है, और हाईएस्ट बर्डन जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। अभी देखिए बहुत सारा रेयर डिजीज़ होता है, जैसे क्रोन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे करके लेजमिनियासिस, टाइप 1 डायबिटीज़, ऐसे करके बहुत सारा है, और अप टू बुरुली अल्सर। तो अभी देखिए इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ही एक बड़ा मार्केट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और 2023 में ये मार्केट वैल्यू है 92.3 डॉलर। अभी देखिए 2024 में ये 150 बिलियन डॉलर में हो जाएगा, और 300 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 में। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी रिलायंस लाइफ साइंस आ रहा है नया एक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी, तो ये भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो USFDA जो अनाउंसमेंट किया है वो कह रहा है क्लिनिकल डेवलपमेंट का जो इशू है उसके ऊपर वो हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट क्या करेगा, क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन में, और चॉइस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, और फाइन ट्यूनिंग ऑफ चॉइस ऑफ पेशेंट पॉपुलेशन, ये सारा सपोर्ट करेगा क्लिनिकल ट्रायल्स एडवांसिंग ऑफ रेयर डिजीज के ऊपर में। अभी देखिए स्पॉन्सर जो है वो उसका प्रोडक्ट काइंडली क्लिनिकल ट्रायल्स अंडर एन एक्टिव इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो IND के नाम पे जाना जाता है, उसका प्रोडक्ट वहाँ पे होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट मस्ट बी जीन और सेलुलर थेरेपी में यूज़ होना चाहिए, और इसका मेडिकल नीड जो है वो बहुत ही अनकॉमन एंड रेयर डिजीज़ और सीरियस कंडीशन में होना चाहिए। अभी देखिए रेयर डिजीज़ जो होता है बहुत ही रेयर डिजीज़ जो मैंने अभी बोला, इसके साथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ एंड रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ का भी ऐड किया है। अभी देखिए एप्लीकेशन जो डेडलाइन है सेकेंड जनवरी 2024 से फर्स्ट मार्च 2024, इस गैप में एप्लीकेंट को अप्लाई करना है। और USFDA जो होगा वो 3 पार्टिसिपेंट ईच सेंटर में से सिलेक्ट करेगा। सो थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम।